इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस के बारे में, अनरजिस्टर्ड पर्सन्स के बारे में देखेगा, कॉम्पोजिशन स्कीम, यूईएन होल्डर्स मतलब यूनिक आइडेंटिटी नंबर होल्डर्स, रिवर्स चार्ज मेथड आरसीएम और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। बीटूबी एंड बीटूसी ट्रांजैक्शंस आपको शायद मालूम होगा कि बीटूबी मतलब बीटू बिजनेस टू बिजनेस है और बी टू सी मतलब बी बिजनेस टू कस्टमर है। बी टू बी में दोनों सेलर और बायर रजिस्टर्ड होगा जीएसटी लॉ के अंदर, और बी टू सी में सिर्फ सेलर ही रजिस्टर्ड होगा। ओके, तो बी टू बी और बी टू सी ट्रांजेक्शन का ये डिफरेंस है। अभी अगला है कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी। कॉम्पोजिशन स्कीम में आप ये देखना होगा कि ये छोटा बिजनेस पर्सन को एप्लीकेबल है। नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी फॉर्मूला यह है कि आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, मतलब आप कस्टमर से जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं उससे आप जो टैक्स सप्लायर्स को पे कर रहे हैं वो डिडक्ट करना है और बैलेंस आपका टैक्स लायबिलिटी बन के आएगा। और कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में देखेगा तो इसका आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता है और टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाय फिक्स्ड रेट होता है। अभी टैक्स लायबिलिटी इज इक्वल टू टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाय स्पेशल टैक्स रेट। ये स्पेशल टैक्स रेट क्या है ये देखना होगा। अगर मैन्युफैक्चरर्स है तो 0.5% सीजीएसटी और एसजीएसटी 1% होगा। अदर सप्लायर्स मतलब ट्रेडर्स एजेंट्स फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स वगैरह सेम है 0.5% 1%। फूड और रेस्टोरेंट सर्विसेज है तो 2.5% + 2.5% मतलब 5%। अदर सर्विस प्रोवाइडर्स है तो 3% + 3% मतलब 6% हो। अभी ये कॉम्पोजिशन स्कीम मैंने अभी बताया था कि ये छोटा बिजनेस पर्सन को एप्लीकेबल है, तो इसका लिमिट होता है 1.50 crores के नीचे वार्षिक ये सेल्स, ओके, एनुअल टर्नओवर है तो ओके। और एग्रीगेट टर्नओवर कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स मतलब मणिपुर नागालैंड वगैरह उन लोगों के लिए 75 lakhs। ओके, अभी सर्विस प्रोवाइडर्स है तो उसका लिमिट होता है 50 lakh। अभी स्लैब्स के बारे में देखेगा तो मान लीजिए आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ का नीचे है तो आपको ऑप्शंस रहता है कि अगर आपको कॉम्पोजिशन स्कीम चाहिए तो कॉम्पोजिशन स्कीम चुन सकता है, नहीं तो नॉर्मल स्कीम भी चुन सकता है। अगर 1.5 करोड़ के ऊपर जाएगा तो नॉर्मल स्कीम ही आपको सेलेक्ट करना है। ओके, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, इसमें कॉम्पोजिशन स्कीम एप्लीकेबल नहीं होता है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देखेगा कि अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको डिफरेंट रिटर्न्स फाइल करना है। अभी आपको कस्टमर से आपको जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। ओके, और इंटरस्टेट सप्लाई आपको नहीं कर सकते। ओके, सिर्फ अपना ही स्टेट में सप्लाई कर सकते। अभी एक केस स्टडी भी देखेगा, अमर स्टार्टेड ए होटल कम रेस्टोरेंट इन बैंगलोर एंड हिज टर्नओवर इज एक्सपेक्टेड टू बी 50 lakhs। ओके, देन ही हैड पेड जीएसटी रुपीज 4,50,000 ऑन परचेसिंग सम मशीनरीज और इक्विपमेंट। मशीनरी खरीद लिया था तो इसके लिए 4,50,000 पे किया था। अभी आपको पूछ रहा है कि कौन सा स्कीम उसको चुनना है। अभी नॉर्मल स्कीम सेलेक्ट कर रहा है तो उस अमर को कस्टमर से टैक्स कलेक्ट कर सकता है। अभी ऐसा कलेक्ट कर रहा है तो इनवॉइस टैक्स इनवॉइस इश्यू करना होगा और टैक्स रेट होगा 18% या ऐसा कुछ रेट एप्लीकेबल है तो वो एप्लीकेबल होगा। अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो उसने सप्लायर्स को पे किया था 4,50,000 वो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। अभी कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में देखेगा तो अगर कॉम्पोजिशन स्कीम सेलेक्ट कर रहा है
तो कस्टमर से कोई जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते, बिल ऑफ सप्लाई ही इश्यू करना होगा। और कॉम्बोशन स्कीम में स्पेशल टैक्स राइट होता है फूड और रेस्टोरेंट सर्विसेज को 5%, तो उसको जीएसटी पे करना होगा 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 5%, दैट इज 2.5 लाख। ओके, अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट का कोई उसको क्लेम नहीं कर सकता। और अगर 1.5 करोड़ के ऊपर जाएगा टर्नओवर, तो उसको जरूर कॉम्बोशन स्कीम के बाहर आना पड़ेगा और नॉर्मल स्कीम ही एप्लीकेबल हो। अभी यूएन होल्डर्स के बारे में देखेगा, यूएन होल्डर्स मतलब एनी स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन और एनी मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन अंडर द यूनाइटेड नेशंस, देन कॉन्सुलेट, एम्बेसी ऑफ अदर फॉरेन कंट्रीज। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो ऑफिस है, उसको यूएन होल्डर कहते हैं। मतलब जब उसने कोई मान लीजिए कोई फॉरेन कंट्रीज का एम्बेसी है, अगर आप दिल्ली में जाएंगे तो कुछ एम्बेसीज देख सकते हैं, तो ऐसा कोई एम्बेसीज है तो उसको यूएन होल्डर कहते हैं। अभी उसको क्या चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से एक अप्रूवल चाहिए। ओके, और अगर वो कोई गुड्स या सर्विसेज खरीद रहा है, तो ये यूएन यूनिक आइडेंटिटी नंबर, ये जो स्पेशल नंबर उसको मिल गया, वो सप्लायर को उसका इन्वॉइसमेंट डालना पड़ेगा। और सप्लायर शुड अपलोड द इन्वॉइस इन देयर रिटर्न। और जो टैक्सेस ने ये यूएन होल्डर्स ने पे किया है, वो उसको रिफंड मिल जाएगा। अभी नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म है में है ऐसा है कि सप्लायर रिसीवर से जीएसटी लेके गवर्नमेंट को पे कर। ओके, अभी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ऐसा है कि रिसीवर ने पेमेंट प्राइस पे करेगा सप्लायर को, और रिसीवर ने जीएसटी पे करना है गवर्नमेंट को। ओके, तो ऐसा होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। नॉर्मल मैकेनिज्म में सप्लायर पे कर रहा है जीएसटी गवर्नमेंट को, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रिसीवर ने पे कर रहा है गवर्नमेंट को। अभी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ऐसा देख सकता है कि सप्लायर को सिर्फ प्राइस देता है, गुड्स का वैल्यू या सर्विसेज का वैल्यू दे रहा है रिसीवर ने या बायर ने, और जीएसटी सीधा दे रहा है गवर्नमेंट। अभी उधर एक सेल्फ जनरेटेड टैक्स इनवॉइस इश्यू करना है, पेमेंट वाउचर भी बनाना है। अभी इनवॉइसेस कंसोलिडेटेड बेसिस में भी बना सकता है। ओके, अभी इनवॉइसेस के ऊपर उसको जीएसटी क्रेडिट भी मिल सकता है। मतलब रिसीवर ने जीएसटी पे कर रहा है गवर्नमेंट को, वो जो जीएसटी पेमेंट किया है वो अमाउंट इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। अभी ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कौन कौन सा गुड्स या कौन कौन सा सर्विसेज में एप्लीकेबल है? गुड्स है कैशनर्स, बीडी रैपर लीव्स, टोबैको लीव्स, सिल्क यार्न, रॉ कॉटन, सेकंड हैंड कर। ऐसा एक एग्जांपल ले लेगा, ए ट्रेडर एक कुछ कैशनर्स खरीद लिया है एक फार्मर से 20,000 का, इधर तो जीएसटी रेट आता है 5%, तो इधर कैसा पेमेंट होना है? ट्रेडर पेमेंट करना है 20,000, मतलब 20,000 फार्मर को, और जीएसटी जो आता है 5%, वो सीधा देना है गवर्नमेंट को। अभी स्पेसिफाइड सर्विसेज भी आता है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, एडवोकेट, कंपनी डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, इंश्योरेंस एजेंट वगैरह। तो उधर भी एक एग्जाम्पल दे देगा, अरविंद ट्रेडर्स पटेल ट्रांसपोर्टर्स को अपॉइंट किया है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इधर सर्विस चार्ज आता है 6,000, तो इधर अरविंद ट्रेडर्स को 6,000 देना है पटेल ट्रांसपोर्टर्स को, लेकिन जीएसटी 18% देना है सीधा गवर्नमेंट को। और अगला है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है जो दूसरा ऑफिसर्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट डिवाइड कर सकता है। ओके, और ये कंडीशन होना है, ये सब
ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांचेस या ऑफिसर्स होना चाहिए, और डिफरेंट जीएसटी नंबर हो सकता है अलग अलग स्टेट में, लेकिन सेम पैन कार्ड होना चाहिए। ओके, और ये मेन ऑफिस है वो इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन करेगा टर्नओवर के रेशियो में, और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है दूसरा ऑफिस को। अभी एक केस स्टडी देखेगा, एक कंपनी का हेड ऑफिस होता है मुंबई में और अदर ऑफिस होता है दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलोर और चेन्नई में। हेड ऑफिस ने एक सॉफ्टवेयर परचेस किया है, बिल रिसीव किया है 10,000 का, और जीएसटी होता है 18%, 1,80,000। तो अभी क्या होगा, ये मुंबई का ऑफिस है वो दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलोर और चेन्नई ऑफिस को टर्नओवर के ऊपर, टर्नओवर के रेशियो में ये इनपुट टैक्स क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ओके, ये मुंबई ऑफिस ने आईएसडी इनवॉइस भी इश्यू करेगा, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इनवॉइस भी इश्यू करेगा। ओके, तो ऐसा होता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का काम। ओके, तो इस वीडियो में हमने कुछ स्पेशल पर्सन्स को देख लिया है। ओके, जैसे अनरजिस्टर्ड पर्सन है, कॉम्बोसिशन स्कीम है, यूएन होल्डर्स है, रिवर्स चार्ज मेथड है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है। ओके, थैंक यू।